जो ये वो राख जे मोमई चढ़तो दान। नमस्कार दोस्तों, YouTube पर आप देख रहे हो VIP एडिटिंग चैनल और अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो वैसा वीडियो आप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो प्रोजेक्ट फाइल है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यानी कि जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने नीचे दे दिया है। तो आप टेलीग्राम की चैनल में जाके यहाँ से प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी अपने ये जो वीडियो है वो चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक जो टेलीग्राम है एप्लीकेशन, उसके अंदर चले जाना है, टेलीग्राम में चले जाना है। टेलीग्राम में जाने के बाद ये जो यहाँ पे टेलीग्राम में चैनल है VIP एडिटिंग करके लिखा है, वहाँ पे ये चैनल में आपको ये जो प्रोजेक्ट फाइल है यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल में डाल दूँगा तो वहाँ से आप प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ज़काइवर एप्लीकेशन। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ज़काइवर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके ओपन कर लेनी है। बाद में दोस्तों, आपने जिस भी फोल्डर में ये जो प्रोजेक्ट फाइल है डाउनलोड की हो वो फोल्डर खोल लेना है, तो आपके पास ऐसी एक फ़ाइल आ जाएगी जो रार फाइल है। बाद में दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, उसके अंदर जो पासवर्ड डाला गया है वही पासवर्ड आपको डालना है। बीच बीच में पासवर्ड आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है, अभी मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद दोस्तों, ये जो फाइल है वो ज़िप फाइल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इतना होने के बाद आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको जो मेन एप्लीकेशन है नोट वीडियो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, डाउनलोड हो जाने के बाद आपको नोट वीडियो एप्लीकेशन इस तरह खोल लेनी है। तो दोस्तों, नोट वीडियो एप्लीकेशन खोलने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लॉट प्रोजेक्ट जीप करके लिखा है वहाँ पर क्लिक कर लेना है और इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो ये तीन लाइनिंग दिख रही है, वहाँ पे क्लिक करना है और आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे माय फाइल्स पर क्लिक कर लेना है और इंटरनल स्टोरेज में चले जाना है। इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद दोस्तों, आपने जिस भी फोल्डर में अपनी ये जो प्रोजेक्ट फाइल है एक्सट्रैक्ट की हो वो फोल्डर खोल लेना है और अपने पास जो जिप फाइल जो कन्वर्ट की थी वो फाइल आपको ले लेना है और डन कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे डन करते ही ये जो प्रोजेक्ट फाइल है नोट वीडियो एप्लीकेशन में यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगी। बाद में आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये नोट वीडियो एप्लीकेशन में ये प्रोजेक्ट फाइल खुल जाएगी। बाद में दोस्तों, आपको यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक कर लेना है। इस तरह जैसे ही आप ग्रुप पे क्लिक करोगे तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ोटो डाले गए हैं सभी नाम के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट लिखा है, केमल है, दशा माँ करके लिखा है। जो दशा माँ करके लिखा है तो ये वाला फ़ोटो है, अपने वीडियो के आगे जाएंगे, यहाँ से अपने वीडियो के आगे चले जाएंगे। इस तरह आपको आगे जाना है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हो ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो आपको जैसे कि चेंज करना है या फिर कोई दूसरा फ़ोटो आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप आराम से चेंज करके खुद का स्टेटस बना सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो फ़ोटो है तो यहाँ से अपने चेंज करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो क्लिक करना है, बाद में तीन लाइनिंग पर क्लिक कर लेना है इस तरह। बाद में आपको रिप्लेस पर क्लिक कर देना है। तो रिप्लेस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बाद में आपको दोस्तों तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है या फिर आपको इमेज आ रहा है तो उस पर क्लिक कर लेना है। तो तीन लाइनिंग पर मैं क्लिक करता हूँ और इमेज में क्लिक कर रहा हूँ। बाद में आपके मोबाइल में जितने भी फोल्डर होंगे सभी फोल्डर यहाँ खुल जाएंगे।
तो यहाँ से आपका कोई कटिंग किया हुआ फ़ोटो हो या फिर कोई दूसरा फ़ोटो हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कोई दूसरा फ़ोटो आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो फ़ोटो है मैं सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि ये फ़ोटो ले लेना है कटिंग किया हुआ, बाद में ये फ़ोटो रिप्लेस हो जाएगा बाद में दोस्तों। यहाँ से आपको वो फ़ोटो देखना हो तो यहाँ से आपको आगे जाना है, वीडियो कैसे आगे जाएंगे। तो ये फ़ोटो दोस्तों यहाँ पे आ गया है। अभी दोस्तों ये फ़ोटो को सेट करना रहेगा, तो सेट करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो फ़ोटो थोड़ा ऊपर है तो इसकी मदद से अपने इस तरह ऊपर नीचे ला पाएंगे, तो इसको ऊपर नीचे इस तरह आपने कर पाएंगे। तो यहाँ नीचे मैं लाऊँगा, नीचे लाने के बाद इसकी जो साइज़ है यहाँ से मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, यहाँ से कम ज़्यादा करूँगा और इसकी मदद से अपने इसको आजू बाजू कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना होने के बाद अगर आप ये वीडियो में सॉन्ग ऐड करना चाहते हो तो मेरा एक दूसरा एक वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ये वीडियो देख के सॉन्ग कैसे ऐड करते हैं वो सीख सकते हैं। तो दोस्तों अभी अपने ये वीडियो है सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए यहाँ पे जो डाउनलोड का जो आइकन दिख रहा है यहाँ, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिजोल्यूशन 1080p रखना है और जो FPS है ये 60 रखेंगे और क्वालिटी अपने वेरी हाई कर देंगे। बस इतना करने के बाद आपको ये यहाँ पे ग्रीन बटन दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगी, यहाँ प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस पूरी होने के बाद आपका ये वीडियो है वो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखना मत भूलना।